भरा मामला मुरादाबाद से सामने आया है, जहां घर में भूत का भय दिखाकर एक पाखंडी तांत्रिक ने दो महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत कर दी। एक तरफ लोग आधुनिक होते नजर आ रहे हैं, वहीं समाज में आज भी रूढ़िवादी परंपराएं हावी हैं। ऐसी ही रूढ़िवादी सोच का ताजा मामला मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र के शरीफ नगर से सामने आया है, जहां रहने वाले एक परिवार में पिछले काफी दिनों से पारिवारिक समस्याएं चल रही थी। लगातार परेशानियों से जूझते परिवार को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने हरिराज तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने परिवार के लोगों को बताया कि घर में भूत प्रेत का साया है और परेशानियों से मुक्ति तभी मिलेगी जब वह घर में तांत्रिक क्रिया करवाएगा। तांत्रिक क्रिया से भूत को अपने कब्जे में लिया जाएगा। तांत्रिक के झांसे में पूरी तरह फंस चुके इस परिवार ने आखिरकार हरिराज को घर पर आकर तांत्रिक क्रिया करने के लिए कहा। उसके निर्देशों के मुताबिक सारे इंतजाम किए गए। 23 जुलाई आधी रात को हरिराज ने तांत्रिक क्रिया शुरू की। हरिराज ने घर में मौजूद पुरुषों को एक घड़ा दिया और उसे लेकर शमशान जाने को कहा। साथ ही पुरुषों को चेतावनी दी कि शमशान में रुककर उनके कहे अनुसार पूजा करने के बाद घड़े में शमशान की मिट्टी लेकर सुबह के समय वापस आएं। परिवार के पुरुष घड़ा लेकर शमशान चले गए और हरिराज ने घर में मौजूद दोनों महिलाओं में से एक को तांत्रिक क्रिया के लिए बुलाया और उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। महिला के बेहोश होने के बाद हरिराज तांत्रिक ने अपनी हवस शांत की और वह महिला की देवरानी के कमरे में जाकर उसको भी अपना शिकार बनाया। दोनों महिलाओं से घिनौनी हरकत करने के बाद आरोपी हरिराज वापस अपने घर चला गया। सुबह शमशान से लौटे घर के पुरुषों ने जब महिलाओं को बेहोशी और अस्त व्यस्त की हालत में देखा तो उनके होश उड़ गए। पुलिस में शिकायत करने की बजाय परिवार वालों ने पहले हरिराज से संपर्क किया और उसको तांत्रिक क्रिया से फायदा न होने की बात कहकर दोबारा अपने घर में आने को कहा। गुरुवार दोपहर जब हरिराज दोबारा शरीफ नगर पहुंचा तो पीड़ित परिवार ने उसको बंधक बनाकर पुलिस को मौके पर बुला लिया। पुलिस ने आरोपी हरिराज सैनी को गिरफ्तार कर 376 के साथ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी देहात उदय शंकर के मुताबिक महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी तांत्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है और साथ ही महिलाओं को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि तांत्रिक उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का रहने वाला है और जसपुर मोहल्ले में रह रहा था। तो महिलाओं के साथ एक तांत्रिक ने दुराचार किया और इस पर पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। न्यूज़ बीके के लिए मुरादाबाद से शाहरुख हुसैन की रिपोर्ट।